तो दोस्तों ये मेरे पास पोको एम टू, और पोको एम टू का मेरे पास जो वेरिएंट है 6GB 64GB, और आपको पता है इसमें हेलो G82 प्रोसेसर है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें अंतत बेंचमार्क स्कोर कितना दे देता है। मैं अनबॉक्सिंग के टाइम ये नहीं करता हूँ क्योंकि बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आता हूँ अंतत बेंचमार्क स्कोर के लिए, तो वो वीडियो बहुत सारे फेमस होता है मेरा, तो इसका भी लेके आया हूँ। तो इस फोन में क्या अंतत बेंचमार्क स्कोर आ रहा है वो एक बार हम चलिए देख लेते हैं। नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मैं अनु ही, आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं पोको एम टू का अंतत बेंचमार्क स्कोर कितना आता है। तो दोस्तों ये मेरे पास पोको एम टू मोबाइल है, और पोको एम टू का मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया। अगर अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ पोको एम टू का अंतुतु बेंचमार्क स्कोर। तो चलिए अंतुतु बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे देख लेते हैं। आपको पता है इसमें G80 प्रोसेसर है, 6GB 64GB वाला वेरियंट है मेरे पास। मॉडल नंबर M2004J19PI, और यहाँ पे टेस्ट में कर देता हूँ और साउंड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ स्कोर यहाँ पे कितना आ रहा है G80 प्रोसेसर से। तो दोस्तों G80 प्रोसेसर में यहाँ पे जो स्कोर आया है 201,456, और CPU का स्कोर यहाँ पे आ चुका है 73,350, और GPU का स्कोर यहाँ पे 42,000 आया है, और मेमोरी का 43,000 और UX का 41,000। तो कुल मिला के ठीक ही है, 2 लाख के ऊपर स्कोर यहाँ पे दे रहा है, अभी बहुत ही बढ़िया हो सकते है इस प्राइस में। तो यही था पोको एम टू का अंतत बेंचमार्क स्कोर चेक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के वीडियो इतने, बाय।